बांग्लादेश भारत न्यूज आपके साथ मैं हूं ममता सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास बड़ी। बिजनौर जिलाधिकारी उमेश मिश्रा द्वारा आज आकस्मिक रूप से ग्राम मिर्जापुर बांगर के निकट गंगा किनारे प्राचीन एवं ऐतिहासिक गलखा देवी मंदिर के पास होने वाले गंगा कटान का स्थलीय निरीक्षण किया गया। उन्होंने मौके पर मौजूद सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि मंदिर स्थल पर कैंप करते हुए गंगा कटान को रोकने के लिए सभी आवश्यक तकनीकी उपाय करें ताकि मंदिर को किसी भी प्रकार की क्षति न होने पाए। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि कटान के आसपास लोहे का जाल लगाकर उसमें रेत से भरे बोरे डाले जाएं और जाल को पानी के बहाव से सुरक्षित रखने के लिए आसपास खड़े पेड़ों से इस तरह बांधा जाए कि वह बह न सके। इसके अलावा उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि सार्वजनिक भूमि पर खड़े पेड़ों को JCB के जरिए जड़ से उखाड़कर उनको कटान वाले स्थान पर गंगा में डालें और सपोर्ट के लिए पत्थर और रेत के बोर भी डाले जाए ताकि मंदिर पूरी तरह सुरक्षित रह सके। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंदिर के आसपास गंगा कटान को स्थायी रूप से रोकने के लिए पत्थरों के स्टड लगाने की कार्य योजना बनाएं और उसकी स्वीकृति के लिए उनके द्वारा पत्र लिखवाकर स्वीकृति के लिए शासन को प्रेषित करें। आप देख रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज पाल की यह लेटेस्ट खबर जनादेश भारत न्यूज चैनल पर। अब उसके बाद फिर मतलब प्रयास ही करो गंगा की धारा मतलब और आगे से बढ़े तब कुछ हो पाएगा नहीं तो ये तो अभी अभी कर रहे हैं ना। और अभी जैसे ही ये पानी ऊपर है उसके बाद फिर नीचे होगा फिर ये भी तुम्हारा बह जाएगा। अरे केवल जो भी है भारत सिंह का पहले सुनो इस प्रकार के ये छोटा बड़े बड़े पेड़ मतलब काड़ उधर करके और इधर बांध करके रस्सी से फंसा दो तो पानी जो है ये है ना।